आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की सैलरी लेना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। 12वीं के बाद कंप्यूटर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। 12वीं के बाद सबसे बेस्ट डिग्री कंप्यूटर कोर्स की यदि बात करें तो हमारे वे सभी युवा जो 12वीं कक्षा के बाद डिग्री कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं वे इन डिग्री कंप्यूटर कोर्सेस को करके अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको शॉर्ट में BCA कहते हैं, ये भी कंप्यूटर कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BTech इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc इन IT कर सकते हैं या फिर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। हाईएस्ट सैलरी अगर चाहते हो तो आप 12वीं के बाद कंप्यूटर में सबसे बेस्ट डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, जिसमें पहला हमारा है डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट, दूसरा हमारा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, उसके बाद तीसरा कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कर सकते हो, या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स इन CADD कर सकते हो, या फिर आप डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स कर सकते हो, या फिर आप डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज हैं जिसे हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, इसमें भी आपका करियर बूस्ट हो सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए 12वीं के बाद बेस्ट प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स के बारे में तो 12वीं के बाद मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं VFX एंड एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, टैली कोर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, साइबर सुरक्षा का कोर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स, ये सारे कोर्सेज होते हैं। आप चाहो तो 12वीं के बाद इनमें से कोई भी कंप्यूटर कोर्स करके अपना करियर आप बना सकते हो और महीने की 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की सैलरी आप पा सकते हो, लेकिन आपको ये कंप्यूटर कोर्स करना होगा तभी आप अपना करियर कंप्यूटर के फील्ड में बना सकते हो।